नमस्कार, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज हम बात कर रहे हैं दीपाली से, जो कि मध्य प्रदेश से आई हैं यहाँ पे एनडीए की तैयारी के लिए। इससे पहले जो इनका अनुभव है वो भी मैं आपसे शेयर करेंगे आपसे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी की एक ही शाखा है और इस नाम से मिलते जुलते नामों से कई यहाँ एकेडमी खुल चुकी हैं जो आपको भ्रमित कर सकती हैं। तो ये हादसा बच्ची के साथ भी हुआ, हालांकि कोई फाइनेंशियली लॉस नहीं हुआ इस बेटी को, क्योंकि ये थोड़ी जागरूक थी और पहले से अवेयर थी कि मुझे क्या करना है। दीपाली अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। सर मेरा नाम दीपाली पटेल है, मैं मध्य प्रदेश नरसिंहपुर से आई हूँ और मेरे पिता फार्मर हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं। और सर मुझे एनडीए क्लास 10 से ही ज्वाइन करना था, तब से एनडीए में गर्ल्स की एंट्री स्टार्ट हुई। और उसके पहले भी मेरा था कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है, वो फिर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से करूं, लेकिन एनडीए के गर्ल्स मतलब एनडीए में गर्ल्स की एंट्री जो ओपन हुई तो उससे मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैं 12th अपेयरिंग हूं और मैं एनडीए की तैयारी कर पाऊंगी, एनडीए को पास भी करूंगी। पहले ये बताओ कि आपको एनडीए के बारे में कैसे पता लगा कि एनडीए क्या है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एनडीए के बारे में सर मुझे मेरे जो टीचर्स हैं उनके थ्रू पता चला, और उसके बाद फिर गूगल से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली और फिर मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट की जो तैयारी है वो अपने घर से ही रहकर की, लेकिन उससे कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं। मतलब जो मेरा मैथ्स का पेपर था वो तो ओके था, बट जीएस में इतना कुछ फ़ायदा हुआ नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। यस सर। तो जैसे अभी आपने एनडीए की तैयारी करी, तो आपका कोई आर्म फोर्स ज्वाइन करने का कैसे सोचा कि मुझे आर्म फोर्स ज्वाइन करनी है, या कोई रोल मॉडल आपका? सर मेरा रोल मॉडल तो कोई नहीं है, बट मतलब मुझे आर्म फोर्सेज ज्वाइन करनी है। जैसे अपने देश में बहुत से अटैक्स होते हैं तो उनको देखा जाए तो फिर मुझे लगता है कि मुझे भी आर्मी में होना चाहिए। सबसे बड़ा अटैक किसने प्रभावित किया आपको? पुलवामा अटैक ने प्रभावित किया। तो जैसे आप एनडीए की आप तैयारी कर रही हैं, आपके फादर फार्मर हैं, मदर हाउस वाइफ हैं, तो घर वालों ने नहीं कहा कि कहाँ आप आर्म फोर्स ज्वाइन कर रही हो, कोई आसान सी जॉब कर लो? नहीं सर, मम्मी पापा दोनों बहुत सपोर्टिव हैं और ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अभी आप दून डिफेंस एकेडमी आई हैं, तो दून डिफेंस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला आपको? सर दून डिफेंस एकेडमी के बारे में मुझे ऑनलाइन और मेरे कुछ फ्रेंड्स के द्वारा पता चला था, तो सर मतलब फिर मैंने कॉन्टेक्ट किया, जो कि थोड़ा सा स्कैम हो गया था उसमें। अच्छा, मतलब इसी स्कैम के बारे में थोड़ा पूरा डिटेल में बताना, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैंने गूगल से नंबर लिया तो वो नंबर किसी हिमानी मैम को कॉल हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप मतलब 2 सीट से बची हैं यहाँ पे एकेडमी में और आपको 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे बोल दिया कि नहीं, वहीं मतलब एकेडमी में आके ही जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कराया जाएगा। तो और उन्होंने एकेडमी का नेम भी बताया था, संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी। यही बताया? यस। और हॉस्टल की फ़ोटोज़ और वीडियोस वगैरह सेंड की थी। और उसके बाद फिर दिवाली के पहले की ये सब बात है, फिर दिवाली के बाद जब हम लोगों का रिजर्वेशन हुआ आने का, तो मैंने उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की कि डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो वो नंबर ही नहीं लग रहा था और व्हाट्सएप पर मैसेजेस किए तो वो मैसेज भी रिसीव नहीं हुए। तो उसके बाद फिर मेरी जो फ्रेंड्स यहाँ पे हैं उनके थ्रू मैंने एकेडमी का नंबर लिया और फिर मतलब यहाँ पे जो सर हैं उनसे बात की और फिर आई एंड। तो लकीली कि वो दिवाली के बाद उनका नंबर नहीं मिला। यस, अगर शायद नंबर मिल जाता तो शायद आप उस स्कैम में फंस सकते थे। यस सर, है ना। तो सर जैसे अब आपकी बेटी है, अब आपकी बेटी आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाह रही है, जी सर, तो आपका फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? सर फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट? जी जी जी। तो आपने कुछ कहा नहीं बेटा आसान सी कोई जॉब देख ले, कहाँ आर्म फोर्स लग रही है? नहीं, उसका उसी में रुझान था। हाँ। और वो बोल भी रखा था उसने कि हमको आर्मी ही करना है, तो हमने कहा जैसा करना हो करो। हाँ। जी। तो मैम आप बताएंगे थोड़ा सा? मैं भी यही कहना चाहूँगी। अच्छा, जो बेटी चाहती है वो जी, जी, करें जी। तो जैसे देखा आपने कि घर वालों का पूरा सपोर्ट है इसको, बेटी को, तो जैसा स्कैम अभी ये होते होते बची है, तो आप कृपया आप भी जागरूक रहें, ज़मीनी स्तर पर आके देखें कि आप सही जगह पे हैं नहीं है। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी देहरादून में एक ही ब्रांच है, तो मिलते जुलते नामों से बचें, सजग रहें। अभी आपने देखा कि दीपाली ने बताया कि किस तरह वो एक फाइनेंशियली फ्रॉड होते होते बची है। अगर वो फाइनेंशियली फ्रॉड में फंस जाती तो वो एक गलत एकेडमी में एडमिशन लेके अपनी कोचिंग कर रही होती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो अन्य एकेडमियाँ हैं वो गूगल से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी के पिक्चर्स और वीडियो निकालकर छात्रों को सेंड करते हैं कि यही संदीप सर की दून डिफेंस एकेडमी है और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस की वो डिमांड करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में इतनी बड़ी राशि नहीं है रजिस्ट्रेशन की कि आप 5,000 रुपये दें और तब रजिस्ट्रेशन होगा। तो मैं आपको, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो 5,000 अगर आपसे कोई मांग रहा है तो आप वो बिल्कुल कदापि ना करें, फिजिकल आएँ,
ग्राउंड आप पे आए, यहाँ पे विजिट करें, जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हम संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में हैं, तभी अपना एडमिशन लें और रजिस्ट्रेशन कराएं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ, कई नंबर आपके पास आएंगे काउंसलर के कि हम ही संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी से बोल रहे हैं, तो उन नंबरों की तस्दीक के लिए आप नीचे देख पा रहे होंगे कि कुछ नंबर चल रहे हैं हमारे काउंसलर के, तो उन्हीं नंबर पर आप संपर्क करें, उन्हीं से आप जो भी बातचीत करनी है उनसे जानकारी लें आप, और यही नंबर हमारे वेबसाइट पर भी चल रहे हैं। धन्यवाद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.